भगवान श्री राम ने क्यों की थी एक शूद्र की हत्या। दोस्तों, भगवान श्री राम के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं और ये भी जानते हैं कि उन्होंने कभी भी अपने जीवन में कोई अधर्म का कार्य या अमर्यादित कार्य नहीं किया था और इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है। परंतु एक बार भगवान श्री राम ने अपने राज्य में एक शूद्र की हत्या कर दी थी। धर्मात्मा श्री राम ऐसा करने पर क्यों मजबूर हुए और उन्होंने किस लिए ये कार्य किया, चलिए इस कहानी में हम आपको ये बातें बताते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि भगवान श्री राम अपना 14 साल का वनवास समाप्त करने के बाद इस पृथ्वी के राजा बन गए थे। भगवान श्री राम के राम राज्य में सभी लोग बड़े खुश थे, परंतु बहुत सालों के बाद उनके राज्य में अचानक एक बालक की मृत्यु हो गई थी। तो उस बालक के माता पिता उसका शव लेकर भगवान राम के राज्य द्वार पर बैठ गए थे और उस बालक के पिता ने रोते हुए ये कहा था कि राजा श्री राम के ही किसी दुष्कर्म के कारण उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई है, अतः श्री राम मेरे इस पुत्र को जीवित करें, अन्यथा हम दोनों पति पत्नी भी इसी राज्य द्वार पर प्राण त्याग देंगे और हमारी हत्या का पाप श्री राम को लगेगा। दोस्तों, भगवान श्री राम ने जब उस व्यक्ति की बातें सुनी तो बड़े दुखी हो गए। तब उन्होंने समस्या से निपटने के लिए अपने राज्य दरबार में देवऋषि नारद समेत कई बड़े महर्षि मुनियों को राजमहल में बुलवाया। जब उन महर्षियों ने भगवान श्री राम की समस्या सुनी तब देवऋषि नारद ने एक बात कही कि सतयुग में सिर्फ धर्म और सत्य का वास है, इस कारण सतयुग में सिर्फ ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते हैं, लेकिन त्रेता युग में अधर्म अपना एक पैर भूतल पर रख देगा जिससे तपस्या का तेज घटने के साथ मनुष्य की आयु भी घट जाएगी। इस कारण त्रेता युग में ब्राह्मणों की तरह क्षत्रिय को भी तपस्या करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। त्रेता युग के बाद अधर्म अपना दूसरा पैर इस भूतल पर उतारता है, इस कारण ही उस युग को द्वापर युग कहा जाता है। इस द्वापर युग में तपस्या का तेज और भी ज्यादा घट जाता है और मनुष्यों की आयु और कम हो जाती है, इसीलिए द्वापर युग में तपस्या का अधिकार वैश्य को भी प्राप्त हो जाता है। कलयुग में अधर्म का बोलबाला हो जाता है और इसी कारण कलयुग में सभी लोग तपस्या का अधिकार पा जाते हैं। दोस्तों, देवऋषि नारद ने भगवान श्री राम से कहा कि वर्तमान में त्रेता युग चल रहा है, इस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों को छोड़कर किसी और को तपस्या करना अधर्म है, निश्चय ही आपके राज्य में कोई शूद्र महान तप कर रहा है, इसी कारण इस बालक की मृत्यु हुई है, यदि आपने इस दुष्कर्म को नहीं रोका तो आप भी नर्क में पड़ेंगे। देवऋषि नारद की ये बात सुनकर भगवान राम ने उस मरे हुए बालक का शव सुरक्षित रखवा दिया और स्वयं पुष्पक विमान से उस शूद्र की खोज में चल दिए। दोस्तों, खोजते खोजते जब भगवान श्री राम उस शूद्र के पास पहुँचे तब उन्होंने देखा कि शूद्र अपना सिर नीचे किए हुए बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है। तब श्री राम ने उस कठिन तपस्या करने वाले व्यक्ति से कहा कि तुम किस चीज को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन तप कर रहे हो। तो उस तपस्वी ने कहा कि मैं उस देव लोक को पाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। श्री राम ने कहा कि तुम धन्य हो और तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा जन्म किस जाति या वर्ण में हुआ है। तब उसी समय तपस्वी ने कहा कि मैं शूद्र जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। दोस्तों, इतना सुनते ही भगवान श्री राम ने अपनी तलवार से उस शूद्र का गला काट दिया था। उसके मरते ही उसकी तपस्या से डरे हुए इंद्र समेत सभी देवता प्रसन्न हो गए और वो बालक भी जीवित हो गया था जो इस अधर्म के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ था। दोस्तों, उस शूद्र का नाम शंभूक था। इस कहानी का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड ब्रह्मांड पुराण में भी साफ साफ वर्णित किया गया है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ जिससे कि आपको इसी तरह की और रोचक कहानियाँ देखने को मिलती रहेंगी।